हड़ताल के बाद जहां किसान एक और निराश था, तो वहीं सरदार शहर के अंदर किसानों ने जी तोड़ मेहनत कर धोरों की धरती में इस बार बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती की और अब उन्हें इसका असर भी नजर आने लगा है। सरदार शहर की कृषि मंडी में जिस और भी देखो बड़े बड़े ढेर मूंगफली के लगे हुए हैं। किसानों की जी तोड़ मेहनत के दम पर इस दफा सरदार शहर में बड़ी तादाद में मूंगफली की पैदावार हुई है। विशेष बात यह है कि सरदार शहर की मूंगफली न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के कई हिस्सों में सप्लाई की जाती है, साथ ही विदेशों में भी यहाँ की मूंगफली की मांग है। अच्छी मूंगफली की पैदावार होने के चलते स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार मिलता है। यहाँ की लहरी मूंगफली को राजस्थान काजू नाम से भी जाना जाता है। उपज मंडी के अंदर धीरे धीरे मूंगफली की आवक बढ़ रही है, जिसके कारण मंडी के अंदर मूंगफली के ढेर लगे हुए हैं। प्रतिदिन 4 से 5 हजार मूंगफली की बोरी की आवक होने से मंडी के व्यापारियों और पलदारों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं नहरी मूंगफली की मांग अधिक होने के साथ भाव भी तेज मिल रहे हैं, वहीं ट्यूबवेल की मांग के भाव में भी कम मिल रही है। नहरी मूंगफली के भाव 5,000 से 5,400 रुपए तक मिल रहे हैं, तो वहीं ट्यूबवेल की मूंगफली के बारे में 4,000 से 5,000 तक मिल रहे हैं। नहरी मूंगफली सफ़ेद और गोटा बड़ा होने तथा अपनी मिठास के कारण राजस्थानी काजू के नाम से विख्यात है। सरदार शहर से परिवहन व्यवस्था अच्छी होने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के व्यापारी जमकर मूंगफली की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ की मूंगफली विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिव रतन सराफ ने बताया कि मंडी में इस वक्त 4 से 5 हजार बोरी मूंगफली की आवक बनी हुई है। नहरी मूंगफली के तेलिया मात्र अधिक होने और गोटा बड़ा होने के कारण विभिन्न प्रांतों में मांग बढ़ रही है। वही मूंगफली के दाने की मिठास के कारण ऊंचे भाव मिलते हैं। उन्होंने बताया कि किसान को माल बिकने के साथ ही तुरंत भुगतान के कारण किसान का रुझान मंडी की तरफ रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।